प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें महादेवी मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज नई आबादी अजीता का नगला आगरा। संपर्क करें 9927087687। कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित गरीबों की आर्थिक मदद करने के लिए मोदी सरकार द्वारा गरीबों के प्रधानमंत्री योजना जनधन बैंक खातों में 500 रुपए की धनराशि डाली गई है। अपने बैंक खाते की जानकारी लेने और पीएम मोदी सरकार द्वारा भेजी गई आर्थिक मदद राशि को निकालने के लिए बैंकों के सामने भीड़ देखी गई। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु लगाए गए लॉकडाउन का पालन कराने के सख्त आदेश हैं। आर्यव्रत बैंक लोहामंडी शाखा पर धनराशि निकालने के लिए उत्सुकता दिखाई दी और सुरक्षा की दृष्टि से सिपाहियों की तैनाती के अभाव में आर्यव्रत बैंक के स्टाफ और मैनेजर को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोरोना से संबंधित जो गवर्नमेंट ने पैसे भेजे हुए तो उसी को लेने के लिए और बार बार हम लोगों को कह रहे हैं कि कम से कम थोड़ी सी दूरी बना के रखें, लेकिन उस समय तक के लिए तो बने रहते, उसके बाद वही इकट्ठा हो जाते हैं। दिक्कत यही है कि हमने पुलिस प्रशासन से भी कहा था कि हमको जो है यहाँ पर दो सिपाही दिलवा दें ताकि जो है भीड़ को मेंटेन किया जाए, लेकिन उधर से कोई हेल्प मिल नहीं पाई, तो उन्होंने बताया कि फोर्स वगैरह हमारे यहाँ उपलब्ध कमी है इस तरह की, तो अब हम ही अपने स्तर से ही प्रयास कर रहे हैं और हम लोग फिर भी नहीं मानते। सोशल डिस्टेंस का कितना ध्यान रखा जा रहा है? हाँ, सैनिटाइजर मतलब ब्रांच के अंदर जो लोग घुस रहे हैं तो उनको जो है हम सैनिटाइज मतलब हाथ जो सोशल डिस्टेंस का ब्रांच के अंदर तो खैर हम ब्रांच के अंदर जो है 5 लोगों से ज्यादा जो है अंदर एंट्रेंस नहीं दे रहे हैं एक ही समय में। भारतीय स्टेट बैंक लोहामंडी शाखा पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खातों में आई धनराशि को निकालने के लिए लंबी लाइन लगी रही। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु बैंक ग्राहक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते नजर आए। बैंक कर्मचारियों ने ग्राहकों को सैनिटाइजर से हाथ साफ कराकर बैंक में प्रवेश दिया। बैंक से आर्थिक मदद की राशि निकालने पहुंची महिलाओं ने अपनी खुशी और इच्छा व्यक्त की। पैसे निकालने आए? किसके पैसे आए आपके? जी जिन्हें डाले मोदी ने। कितने रुपए आया? अभी तो निकाले हुए आई हूँ, 500 रुपए। 500 रुपए आए हैं? कितने दिन हो गए? अभी तीन नंबर का है। तीन कैसा लग रहा है? 500 रुपए आए हैं? कितनी मदद हो पाएगी 500 रुपए से? हमने तो आटा फाटा ले आएंगे और खाने को जताएगी, जहाँ हम देखने आए हैं। हमको अभी पता नहीं कितने आए हैं। नहीं, 500 रुपए। 500 रुपए आए हैं? कितनी मदद हो पाएगी 500 रुपए में? पता नहीं कितनी हुई है। 500 रुपए कैसा लग रहा है? 500 रुपए आए आपके अकाउंट में, अच्छा लग रहा है या आपके काम के आएंगे, क्या लग रहा है? अच्छा हमें तो नहीं लग रहा है, 500 रुपए में क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है। क्या अपेक्षा है आपकी, क्या होना चाहिए 500 रुपए की अपेक्षा क्या होना चाहिए? समझे 1000 रुपए तो होते ही होते। 1000 रुपए होते? अच्छा कितने पैसे आए अकाउंट में तुम्हारे? अब मुझे पता नहीं, अभी चेक कराने आई। अच्छा जैसे लोग बता रहे 500 रुपए अकाउंट में आए हैं, तो मोदी जी 500 रुपए जो ट्रांसफर किए आप लोगों के बैंक में है, तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा भाई? अच्छा लग रहा भैया, जब मिल जाए तो हो पाएगी 500 रुपए से? कितनी मदद हो पाएगी 500 रुपए? 500 रुपये कितनी मदद हो जाएगी आपकी? भैया आ जाएगी तो 4-6 दिन तो 4-6 दिन हो जाएगी। हाँ बच्चा को पेट तो भर लेंगे, भूखे प्यासे बच्चे बैठे घर पे, बच पेट तो भर ही लेंगे बच्चे का। फिर काम धंधे है नहीं है कि आ करें, परेशान है बहुत ज्यादा, नेकना है, मांग मांग के खा रहे हैं, इतने बच्चे खाना मिलो वहाँ तो मांग मांग के खा रहे हैं, भैया क्या करें। शहर के तमाम बैंकों पर ग्राहकों की भीड़ नजर आई और पुलिस व्यवस्था को सुधारने में लगी रही। SBI लोहामंडी शाखा मैनेजर ने बताया कि शासन के आदेश के अनुपालन में सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। बैंक में 3 काउंटर बनाए गए हैं, जिन लाभार्थियों की राशि आ गई है उन्हें उनकी राशि का भुगतान किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो पैसे आए हैं का जो है, उसकी वजह से हम यहाँ पे एक
प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते में सरकार द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का भुगतान 9 अप्रैल तक यथावत किया जाएगा। जिन खातों का अंतिम अंक 0, 1 और 2 है उनका भुगतान किया जा रहा है। सोमवार दिनांक 6 अप्रैल को शेष धनराशि आने की संभावना जताई गई है। 7 इंडिया न्यूज के लिए विकास सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।